हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे कढ़ाई साफ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने लिया है पीताम्बरी का पाउडर, आपको बाज़ार से बिल्कुल इजीली मिल जाएगा। आप चाहे तो बर्तन वाली शॉप पे भी इसको पूछ सकते हैं, वहाँ पे भी मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स हम करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये सिंक की जाली है जो हम डेली यूज़ किचन में बहुत सा काम करते हैं, गंदगी होती है तो उसकी वजह से जाली गंदी हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें पाउडर में थोड़ा सा निरमा ऐड कर लिया है। तो मैं अब आपके सामने इसको अच्छे से रफ कर करके, और आपने पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, हो सकता है एक या दो बूंद आप लगा सकते हैं, जैसे कि देखिए मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं लगाया है। तो देखिए, और अभी से जाली चमकना स्टार्ट करने लगी है, तो आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा पाउडर है, आप इसको लाइए घर के अंदर, और आप जितने भी बर्तन हैं, पीतल के हैं या तांबे के हैं, जितने भी हैं बर्तन पूजा के हैं, मंदिर के हैं, आप उन सबको इस पाउडर से साफ़ कर सकते हैं। डेली आप इस पाउडर से आप बर्तनों को साफ़ कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जाली मेरी बाहर से ऑलमोस्ट साफ़ हो चुकी है, थोड़ा थोड़ा बचा है कॉर्नर कॉर्नर जैसे, और मैं अभी अंदर से साफ़ कर रही हूँ, और अंदर से जितना भी बचा हुआ है कॉर्नर, मैं ये भी आपको अच्छे से साफ़ करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी काला काला लगा हुआ है ना इसके अंदर, तो मैं अभी ये भी आपको साफ़ करके दिखाऊंगी। तो बहुत ही अच्छा है, मुझे भी जब ये पता चला कि पीताम्बरी का भी कोई पाउडर है कि बर्तन काले हो जाते हैं, तो हम जो महिलाएं होती हैं जो किचन का काम करती हैं, तो उनको लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि बर्तनों को भी साफ़ करना पड़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने इस जाली को इतना रगड़ रगड़ के धोया है, इतना ज़्यादा रगड़ने की भी ज़रूरत नहीं होती, पर मैंने फिर भी, मैं जैसी मेरी आदत होती मैं वैसे ही करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी आपके सामने मैंने जाली को धो दिया है, तो देख आप देख सकते हैं बिल्कुल नई जैसी लग रही है, तो बहुत ही चमक चुकी है ये। तो बस अब हम इसको अच्छे से धो के मैं अब आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी बढ़िया लग रही है हमारी जाली, बिल्कुल धो के नई जैसी हो गई है फ्रेंड्स। तो है ना चमकदार, बिल्कुल नई ट्रिक और बिल्कुल ही मज़ेदार। और महिलाओं को तो खास कर जो कुकिंग का काम करती हैं, घर की महिलाएं होती हैं, उनको तो बहुत शौक होता है बर्तनों को साफ़ करने का। तो चलिए अब हम कर लेते हैं हमारी जो किचन की कढ़ाई होती है, जो तेल लगा होता है, जो चिकनाई लगी होती है, जो कालापन होता है। वैसे तो मैं डेली इसको साफ़ करती हूँ, आपके सामने इतना है भी नहीं, पर मैं आपको फिर भी दिखा देती हूँ कि मैं इसी पाउडर से ही इसको साफ़ करती हूँ, और मैंने पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके अंदर पानी बिल्कुल यूज़ नहीं किया। तो इसके अंदर जब अगर आप पानी ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो ये जैसे काला काला उतर रहा है ना, ये निकल रहा है, तो ये नहीं निकलेगा। तो आप पानी हो सके तो बिल्कुल ही यूज़ मत करना, हो सके तो एक दो बूंद आप रफ के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी देखिए, मैंने आपके सामने अच्छे से इसको रगड़ रगड़ के साफ़ कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी, बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए वीडियो, खास करके जो गृहिणियाँ हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए तो बहुत ही लाभदायक है ये वीडियो। और बड़े बड़े होटल्स में भी इस पाउडर का यूज़ होता है। तो आपको ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो मैं आपको कढ़ाई भी धो के दिखा देती हूँ। पानी बहुत गर है, मैंने गीज़र ऑन किया है ऊपर से, तो देखिए आपके सामने पानी भी काला हो चुका। तो आप देख सकते हैं कि फ्रेंड्स कितना काला काला उतरा है कढ़ाई से, पूरी गंदगी साफ़ हो चुकी है, ऑयल जो लगा होता है वो भी साफ़ हो गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कर देना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि काफ़ी दिन बाद मैंने ये वीडियो डाला है, तो आपको बहुत पसंद आएगा। तो ठीक है, बाय, ओके, टेक केयर।